नमस्कार, मो संगीता आपण मानको स्वागत करछि मो चैनल संगीता कुक एंड ब्लॉग रे। आज मो पनीर व्हाइट ग्रेवी बनेवा को जाउ छी, ताको आपण पेपर पनीर भी कहि पारिबे आ ताको पनीर कोरमा भी कहि पारिबे। तो चालन तो बनेवा प्रोसेस को जीवा। फर्स्ट मो केसर को एमती बतरी की रखि दी छी, देन काजू आलमंड आ पोस्त को भी मो बतरी की रखि थी। काजू बादाम रो मो तार जो चोपा को ताको बाहर कर दी थी। देन ताको मो आमे गोटे पेस्ट बनेबा, ह्वाइट ग्रेवी जेहेतु आम बनुचे तो ह्वाइट पेस्ट गोटे बनवा। तो सही मो पनीर भी टिके ऐड कर दीचे, आ पोस्त काजू देन बादाम सबको मो मिक्स कर देकी एमती क्षीर देकी तार गोटे पेस्ट बने देबे। देखंतु तार पेस्ट होगला, देन नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। कढ़ई में बटर किसी नेली हाफ टीस्पून मुझे आठ मु रिफाइंड ऑयल 2 टीस्पून नहीं किसी गोटा मसला ऐड करी, जमी तेजपत्र दालचीनी लवंग जीरा एंड गोटे इलायची मुझे पकईदे। तो ताकू हल्का भाजीदबा, देन मुझे ग्रेट करके रखी अदा से पकईदे आ कि लंका कंचा लंका स्लिट करके पकईदे। बेसी डार्क ब्राउन करिबानी, एमती हल्का भाजी देकी ताऊपर आमे हम जो बनेचे व्हाइट पेस्ट ताकू आमे पकेबा। काजू बादाम देन पोस्त पनीर खीरर जो आमे पेस्ट बनेथिले ताकू मु एबे ऐड कर देउची। देखंतु आ ताकू किछ टाइम एमती कसि देबे। टिके समय आमे मीडियम फ्लेम रे ही एमती भाजीबा। विदाउट अनियन गार्लिक मो देखंतु बनौछि, आपन चाहिले एटा अनियन पके कि अनियन गार्लिक पके कि बने पारिबे। जस्ट मु जो अदा पकेली से स्टेज रे आपन अनियन को पेस्ट करके पके पारिबे। गार्लिक यूज करिबेनी, गार्लिक रो हार्ड फ्लेवर टा एटी भल लागेनी। देखंतु देन मु जारे जो जारे मु ग्राइंड करी से टिके अल्प पानी देकी से मु पके देली। या को टिके टाइम एमती कसिबे। ऑयल रिलीज हला पर्यंत आमे ताकु एमती कसिबा टिके। बहुत ही माने रिच फ्लेवर देथाय, बहुत भल लागे माने करीटा आपण बनेबे घरे देखिए भल लागिबो। तो देखंतु एटी मु किछि सुखा मसला ऐड करछि, जोटा कि नॉर्मल मसला माने पेपर गोटे हाफ टीस्पून मु ऐड करली, जीरा पाउडर हाफ टीस्पून आउ धनिया पाउडर एटी मु गोटे टीस्पून यूज करली आ ताकु मु एमती आउ टिके कसि दउछि। देन आमे एटी खटा माने खटा लागे पई जेहेतु एटा आमे व्हाइट ग्रेवी बनौछे, तो आमे एटी टोमेटो कि किछि ये माने हल्दी पाउडर कि लंका पाउडर ये यूज करें। तो खटा आने मुझे दही गोटे बाउल फेंटिक रखला दही मुझे पकईदे। आपन जदि फेंटे नहीं दही को आ डायरेक्ट पकईदे तो माने दहीटा फाटी जबार चांसेस बहुत थाए। तो यही स्टेज रे आपन कौन करेंगे जिते बड़े दही पकईबे आपन फ्लेम को आइदर बंद करदे ना पूरा लो करदे आ कंटिन्यूसली एमती स्पैचुला चलेबे ना दही फाटी जब। तो यही जिनस गोटे आप माने ध्यान देबे आ बनेला बेले दही पकेबा आगरु आपन लुण पकेबेनी कि दही पकेबा परे आपन फ्लेम को बेसी हाई करिबेनी, ताको कंटिन्यूअस चलेबे एमती। देखंतु हे गलाणी एटा टिके टिके माने बबल्स भलिया देखाउछि, ऑयल रिलीज करलाणी। तो ए स्टेज मे एटी चीनी हाफ टीस्पून एटी पके देली, देन ताको एमती कसि दउछि टिके। देन ये मुझे कसूरी मेथी देखु यहाँ हल्का गरम कर दे आकू हाथ रे एमती क्रश करके पकईदे। ये टी पा जारे जो बाकी रही से पा जाक मुझे पकईदे ग्राइंड कर जो आम मसला यहाँ फुटीगला देखु। देन मुझे बहुत कम ये किचन किंग यहाँ पूरा टोटली ऑप्शनल किचन किंग मसला जदि आपन को पाखरे अछि ताहेले यूज करंतु, नहले न देले भी एटा चलिबो।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାରଣ ଆମ ଦହି ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ଦହି ଆଉ ଫାଟିବନି ତ ଲୁଣ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇଲେ କାଜୁ ବାଦାମ ଖସଖସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଯେଉଁ ବନେଇଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବନି ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଦାମ ଥାଏ ଆମ ଚିନା ବାଦାମ ସେଇଟା ପକାଇବେନି ମାନେ ସେଇଟା ପକାଇଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପନିର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ପନିର ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କେଶରକୁ ପତ୍ରିକି ରଖିଥିଲେ ତା'ର ପାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ହାଲକା ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କଭର୍ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଭି ଦେଖିକି ଗରମ ପାଣି ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ସର୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଭ କଲି ୟା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେଶରକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ କେଶର ଟିକେ ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ଏ ବହୁତ ହି ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ